नीति वचन 13वां अध्याय। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है, परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण होता है और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता फिर भी उसके पास बहुत रहता है। धनी मनुष्य के प्राण की छुड़ौती उसके धन से होती है, परंतु निर्धन ऐसी घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। अहंकार से केवल झगड़े होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। धोखे से कमाया धन जल्दी घटता है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता उसका नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। विवेकी मनुष्य ज्ञान से सब काम करता है, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत मिलाप करवाता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता वह निर्धन हो जाता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। विपत्ति पापियों के पीछे लगी रहती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मियों के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेती बारी से बहुत भोजन वस्तु मिलता है, परंतु अन्याय से उसको हड़प लिया जाता है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं।